के भी बड़े हमने धुआंधार स्टेटमेंट्स देखी, सात सवालात आपके ऊपर आ गए हैं। वजीर आजम साहब तैयार हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हम ना कोई पाबंद हैं किसी सवाल का जवाब देने के, और 13 तारीख को पार्लियामेंट में वजीर आजम आ सकते हैं, आ रहे हैं। वहाँ वजीर आजम इस पे अपना पॉलिसी बयान देंगे और हम इनको इन सवालात पे नहीं नहीं ये तो सवाल ही नहीं, हम किसी सवाल पे जवाब दे नहीं है, अपोजिशन के भी नहीं, किसी के नहीं। सर, क्योंकि इसका मतलब अपोजिशन को मानते ही नहीं? मानते हैं, लेकिन नेगेटिव चीजों को हम नहीं मानते। ये सवाल नेगेटिव है? बात ये है कि ये पानामा लीक क्या एक बंदे के लिए है या 400 के लिए? और ये जो ड्रामा खड़ा किया गया है, वजीर आजम ने जिंदगी में तीसरी दफा वजीर आजम बने हैं और उन्होंने जिंदगी में 4 इलेक्शन लड़े हैं, वजीर आला भी रहे हैं। हर दफा पाकिस्तान के आइंदे के तहत इलेक्शन कमीशन को अपने तमाम गोशवारे हम भी देते हैं, तमाम सैनेटर साहबान देते हैं, MNA MPA साहब देते हैं, वो वहाँ पड़े हैं। इन्हों में से किसी ने आज तक उसको चेक करके चैलेंज किया है? आज तक टिल टू डे, जब से 1985 से मियां नवाज शरीफ साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, 85 से लेकर 2013 के इलेक्शन से और 2013 से लेकर 2016 तक, रीत भाई, किसी ने चैलेंज किया है? क्या किसी के आईनी हक नहीं है कि इलेक्शन कमीशन में जाकर कहे कि ये इनका रिटर्न गलत है, ये इनका गोशवारा गलत है, इनको डीसीटेड किया जाए, हम इन पे इल्ज़ाम साबित करते हैं, अगर वहाँ पूरी तरह नहीं सुनी जाती तो सुप्रीम कोर्ट में जाएं? ये वो है सही, ठीक है, आप कहते हैं ये सही तरीका, फयाज साहब सही तरीका बता दें।